हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हर रोज़ की तरह मैं आज भी नो कांटेक्ट का रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगा आप देख सकते हैं। और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए ओपन है, हर कोई देख सकता है इस रीडिंग को। ठीक है, कोई भी जेंडर के लोग, कोई भी रिलीजन के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। एक कंडीशन है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करनी चाहिए। रीडिंग अगर आपसे मैच करते हैं, आपसे रेजोनेट करते हैं, तो रीडिंग आपके लिए है। और जैसे कि फरवरी माह के आज लास्ट दिन है, तो 222 का ऑफर भी ख़त्म हो रहा है आज के दिन में ही। फिर भी आज के दिन में जो लोग 222 का रीडिंग लेना चाहते हो, वो लोग जल्दी से जल्दी मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। आपको 222 में करंट फीलिंग का रीडिंग मिल सकता है, अदरवाइज 222 में एक क्वेश्चन के साथ दूसरी क्वेश्चन का फ्री रीडिंग आपको मिल सकता है। तो ये ऑफर सिर्फ 28 फरवरी के लिए है, इसके बाद जो है इसका कोई वैलिड नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लाइफ में फिलहाल क्या चल रहा है। तो पहले देखेंगे ओवरऑल क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के, और उसके बाद देखेंगे आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। जो लोग भी नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्लॉक सिचुएशन या फिर ब्रेकअप सिचुएशन है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, करेंटली क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या सिचुएशन चल रहे हैं, कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे मेरे व्यूअर्स के पर्सन, ओवरऑल क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में। जो लोग नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, ब्लॉक ब्रेकअप सिचुएशन में है, कुछ सिचुएशन में हैंग्ड है लेकिन बैलेंस चाहते हैं, स्टैंड लेना चाह रहे हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पर्सन को चाहिए कारेज, चाहिए स्ट्रेंथ, चाहिए पावर। ठीक है, और क्या एनर्जी है आज के दिन में, और क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, क्या चल रहा है लाइफ में। टू मोर कार्ड्स एंजल, और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में। यस, आखिर में द लवर्स आ गए हैं। वन मोर कार्ड एंजल, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ, व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में। थर्ड पार्टी विथ न्यू बिगनिंग, दोनों ही थर्ड पार्टी के कार्ड्स हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैंग्ड है आपके पर्सन, लेकिन टेंशन मत लेने का है आपको। न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स है दो दो विद द लवर्स, मतलब रियूनियन होने वाला है हम लोगों का। ठीक है, फिलहाल आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे, आइसोलेशन में है, हर्मिट मोड में है। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है। ओके, कोई ना कोई लीगल मैटर चल सकता है उनके लाइफ में, या फिर वो बैलेंस आउट करना चाह रहे सिचुएशन को। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं उनके लाइफ में, लेकिन वो स्टैंड लेने के लिए, खड़े रहने के लिए ऑब्स्टिकल्स में रेडी है और स्टैंड ले रहे हैं काफ़ी हद तक। और कोई ना कोई कार्मिक साइकिल है उनके लाइफ में, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस लेके आना वो चाहते हैं। उस पॉजिटिव चेंजेस के लिए उनको चाहिए पावर, चाहिए कारेज, चाहिए स्ट्रेंथ। ठीक है, तो उसके लिए वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं सिचुएशन में, सक्सेस चाहते हैं, इमोशनल भी है वो आपकी तरफ। ठीक है, और रियूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। तो मैसेज यहाँ पर क्लियर है। ओके, जस्टिस क्यों आए हैं यहाँ पर, प्लीज एंजल गाइड करें। बहुत सारे हैं, जस्टिस क्यों आए हैं, कहाँ पर जस्टिस होने वाला है, जस्टिस क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें। जस्टिस क्यों आया है, जस्टिस प्लीज एंजल गाइड करें, जस्टिस क्यों आया है। फोर ऑफ पेंट, शादी में कोई लीगल मैटर है, फोर फोर की एनर्जी है। यस, द
देखिए जो लोग सिंगल हो, आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, बहुत बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। और जो भी प्रॉब्लम है वहाँ से केयर फ्री होकर बाहर आना चाह रहे हैं, ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में और इस रिश्ते के लिए काम करना चाहते हैं। देखिए नंबर 8 आया है, इसको अगर हम 4-4 और 4-4 मतलब 4 टाइम यहाँ पर 4 आए हैं, 4 टाइम 4 आए हैं, ठीक है। तो नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो 4-4 की सिंक्रोनिसिटी है। और आपके पर्सन लीगल मैरिज चाहते हैं आपके साथ, अगर आपके साथ उनका कोई लीगल मैटर चल रहा था, आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से मैरिड है, तो आपके पर्सन आपके तरफ ही फिर से वापस आना चाह रहे हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स को तोड़ के छोड़ के, सारे जो प्रॉब्लम्स था वहाँ से बाहर आके वो फिर से आपके साथ जो है दोबारा जोड़ना चाह रहे हैं। एम्प्रेस क्यों आए हैं यहाँ पर, प्लीज एंजल गाइड करें, एम्प्रेस क्यों आया है। देखिए फिर से न्यू बिगिनिंग आ गए हैं, जेस्चर देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, ओके। और हार्मिट का कार्ड बॉटम से था, फिर से आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग के लिए, और बहुत ज़्यादा वो मिस करते हैं आपको, वाइफ की तरह या फिर हस्बैंड की तरह देखते हैं आपके शादी, वो फ्यूचर चाहते हैं। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो फिर आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं, तो आज के दिन मैं एम्प्रेस यही बता रहे हैं आपको। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें। यस, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में था आपके पर्सन वहाँ से बाहर आ रहे हैं, जो भी उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, जो भी स्लीपलेस नाइट, डार्कनेस, हार्ट टेकन लॉसेस की एनर्जी था वहाँ से वो बाहर आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है ओवरऑल आपके पर्सन के लाइफ में, आपके लाइफ में, ठीक है। और वो आपके तरफ बहुत क्विकली आना चाहते हैं, नाइट ऑफ सोर्स के साथ 8 ऑफ बैंड्स, ठीक है। तो कॉल मैसेजेस आ सकता है, जिनको भी रिसीव हो कॉल मैसेज ज़रूर से जो है कमेंट में बताए, ठीक है। तो अब सोर्स क्यों आया, क्या ख़त्म होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्या एंड होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन, प्लीज एंजल गाइड करें, क्या एंड होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन। यस, थर्ड पार्टी को थर्ड पार्टी ही क्लैरिफाई कर दिया, थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाएंगे आपके पर्सन, ठीक है। 222 की सिंक्रोनिसिटी है, 222, ठीक है, 222 आया है। तो आज के दिन में देखिए 2-4 बहुत बार निकल कर आ रहे हैं, तो नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड पार्टी से आपके पर्सन भागना चाहते हैं, मूव ऑन कर जाना चाह रहे हैं और आपके साथ रियूनियन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, यही आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट है। तो यहाँ पर तीनों न्यू बिगिनिंग के कार्ड आ चुके हैं ऑलरेडी, ओके। और यहाँ से ये सब पेंटिकल न्यू बिगिनिंग वो आपके साथ चाहते हैं विद द लवर्स कार्ड, रियूनियन वो चाहते हैं आपके साथ। कब तक रियूनियन होगा, प्लीज एंजल गाइड करें, कब तक रियूनियन होगा। स्पाई कर रहे हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, रूट एनर्जी में है, लेकिन प्यार का इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। उसके लिए खुद को वो प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर से नंबर 4 आए हैं, देखिए यहाँ पर 4 आ चुके हैं फिर से, मतलब अगर हम नंबर काउंट करें 4 तो यहाँ पर 3 टाइम्स आ चुके हैं 4, ओके। जो भी बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं और आपको जेस्चर करना चाह रहे हैं, गिल्ट में है कि पास्ट में उन्होंने जो है आपके साथ सही बिहेवियर नहीं किया। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर है 4, इम्पोर्टेंट नंबर है 2, 2 डेज के अंदर, 4 डेज के अंदर काफ़ी लोगों को जो है कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है अपनी पर्सन की तरफ से, ओके। तो चलिए देखते हैं आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या रोमांटिक फीलिंग है आपको लेके। चेंजर गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या एक्शन लेंगे, कोई
क्या वापस आएंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ, प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। पेंटिकल, यहाँ से भी नंबर 4 आया है, 4 ऑफ पेंटिकल, खोना नहीं चाहते आपके पर्सन और उसके लिए ही प्लानिंग कर रहे ताकि आपको खोना ना पड़े। हो सकता है फिलहाल आप थोड़ा बहुत रूट एनर्जी में आ चुके हो, मतलब आप कुछ भी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करोगे, अपनी पोजीशन पर हो, ठीक है, जो आपको चाहिए वही चाहिए, ऐसी एनर्जी में आप आ गए हो अभी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बन चुके हो आप और आपको सच्चाई चाहिए, आपको क्लियरिटी चाहिए फिलहाल कि जो होगा वो होना ही होगा। अगर आपके पर्सन आपसे शादी चाहते हैं तो शादी ही करना पड़ेगा, उनको क्लियरिटी देना होगा, कमिटमेंट देना होगा कि हाँ मैं आपके साथ बाकी की ज़िंदगी रहूँगी या फिर रहूँगा। ऐसी एनर्जी में आप आ चुके हो, ऐसा क्लियरिटी आप चाहते हो कि वो जो भी चाहते हैं वो परमानेंट वाला हो और वो आपको क्लियरिटी दे, और आप सिचुएशन में लटका के नहीं रखना चाहते हो खुद को, ठीक है, स्टक नहीं रहना चाहते हो सिचुएशन में, आपको अभी चाहिए क्लैरिटी और स्टेबिलिटी, तो उसके लिए आप अपनी पावर पर हो, ऐसी एनर्जी आपका दिख रहे हैं। और आप बहुत, आप नहीं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है और आपके पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है, आपको खोना नहीं चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और डिवाइन की तरफ से जजमेंट चाहते हैं, जजमेंट कॉल कर रहा है, कोई ना कोई मेजर डिसीजन के लिए वो जजमेंट कॉल कर रहा है और जगलिंग सिचुएशन में है आपके पर्सन, थर्ड पार्टी की एनर्जी निकल कर आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर भी नंबर 4 आए हैं फिर से, 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, 1 सेकेंड, 2 कार्ड्स आए हैं, द सन एंड 4 ऑफ कप्स, ओके। तो आज के दिन में 4-4 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ही ज़्यादा है, 4 डेज 4 वीक के अंदर बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आएंगे, बातचीत होगा और नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, आप लोग का रीयूनियन का टाइम हो चुके हैं और आप जो भी आपको गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए आप सही गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो, तो 4 आवर्स के अंदर भी आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, बातचीत हो सकता है और जिनसे भी एनर्जी रेजोनेट हो वो ज़रूर मुझे कमेंट करें। दी सान यहाँ पर एक्शन होगा आपके तरफ, आपके पर्सन आएंगे, जो भी जगलिंग सिचुएशन था, थर्ड पार्टी सिचुएशन था, वहाँ से बाहर आएंगे, ठीक है, सन के कार्ड हैं और आपके पर्सन भी सेल्फ लव की एनर्जी में है, खुद को पेयर कर रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं और यहाँ से फिर से जस्टिस आ गए हैं, ठीक है, तो बैलेंस करना चाह रहे हैं सिचुएशन को, उस टेक से भी जस्टिस आया था और यहाँ पर जस्टिस और जजमेंट दोनों आए हैं, तो कोई ना कोई मेजर डिसीजन यहाँ पर होगा, कोई ना कोई मेजर रिजल्ट आपको दिखेंगे ताकि जो भी होगा वो आपके तरफ बैलेंस्ड होगा, आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि न्यू बिगिनिंग के बहुत सारे कार्ड्स वहाँ से आए थे, ओके। चलिए क्लैरिफाई करते हैं और पेंटिकल को लेके यहाँ पर कोई चीज़ है, ठीक है, तो देखिए 4 ऑफ पेंटिकल 3 ऑफ पेंटिकल 2 ऑफ पेंटिकल, तो पेंटिकल इशू हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में या फिर पेंटिकल इशू बन रहा है कुछ लोगों के जो है लव लाइफ में, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, प्लीज इसे गाइड करें, 3 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यहाँ पर, थर्ड पार्टी से बाहर आना चाह रहे हैं बहुत क्विकली, कुछ लोग का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ओके, इमोशनल है, लॉयल है, जिस भी सिचुएशन से वो डर रहे थे वहां से बाहर आना चाह रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें, आपको खोना नहीं चाहते, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपके पर्सन, यस, विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। फिर आ गए हैं 8 ऑफ बैंड्स, इस डेक से भी आ गए, देखिए दोनों डेक से आया है और यहाँ पर भी लावर्स आ गए हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। 8 ऑफ बैंड्स विथ विक्ट्री, तो दोनों डेक से 8 ऑफ बैंड्स आए हैं गाइस, कॉल मैसेज जरूर रिसीव होगा और विथ लवर्स कार्ड, ओके, कार्ड्स के लिखा जो है दिख रहा है आपको,
तो आपके पर्सन आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। क्या जजमेंट होगा, क्या मेजर डिसीजन होगा यहाँ पर? एट ऑफ सोर्स, द स्टार, पेज ऑफ वैंस, टेन ऑफ वैंस, ये दोनों कार्ड्स आया था वहाँ पर क्लैरिफिकेशन में। फिर से देखिए नंबर फोर आ गए हैं। फोर की सिंक्रोनिसिटी आज बहुत बार आए है, आप लोग वीडियो को पीछे करके देखिएगा कितनी बार यहाँ पर फोर आए हैं। इस डेक से भी दो बार फोर आया था, फोर ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स और यहाँ से फोर ऑफ सोर्स, और उस डेक से भी थ्री टाइम्स फोर आया था, मतलब सिक्स टाइम फोर्स आया है यहाँ पर, फोर आया है यहाँ पर। तो फोर नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर आवर्स, फोर डेज, फोर वीक के लिए, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन उनके साथ बर्डन सम हो रहा है, उनके ऊपर बोझ बन रहा है, वहाँ से वो काटअप कर लेंगे खुद को। उस सिचुएशन में स्टक है आपके पर्सन, बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, वहाँ से बाहर आने का प्रिपरेशन वो कर रहे हैं। आपके तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल है और होपफुल है, प्रे कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में सब कुछ सही हो जाएगा। तो यही मेजर जजमेंट होगा कि आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में स्टक है वहाँ से बाहर आएंगे, ओके। और आपके लिए उनका इमोशन, उनका प्यार बढ़ेगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। टू ऑफ पेंटिकल क्यों आया है प्लीज एंजल गाइड करें। टेम्परेंस, यहाँ से भी टेम्परेंस आ गए हैं, और नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ बैंड्स यहाँ से आया था, यहाँ से नाइट ऑफ सोर्स बहुत क्विकली आना चाह रहे कुछ लोग के पर्सन विद द सन कार्ड, ओके, विद द सन कार्ड। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आज के दिन में, और वापस आने की एनर्जी है आपके पर्सन के, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आएंगे गाइस। देखिए नाइट ऑफ वैंस, नाइट ऑफ सोर्स, टेम्परेंस मतलब रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन, बैलेंस, पीसफुल रिजोल्यूशन, और सन मतलब एक्शन। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, आपके पर्सन बहुत क्विकली वापस आने वाले हैं आपके लाइफ में। चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए, एंजल क्या गाइड कर रहे हैं आज के दिन में आपको। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए करंट सिचुएशन में, प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए करंट सिचुएशन में, प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए करंट सिचुएशन में, नो। तो पहला ही आंसर नो निकल कर आए हैं, फिर आया है यस। तो आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछा था क्या, यस नो दोनों आए हैं, और क्या गाइडेंस है, मेडिटेशन ब्रिंग्स यू आंसर। तो बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है कि एक साथ क्वेश्चन पूछे हो, ठीक है, और एंजेल ने आंसर दिया है कंफ्यूजिंग वाला, नो भी बोल दिया है, यस भी बोल दिया है, मतलब आप लोग ही समझ लीजिए किसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है एक साथ अपनी अपनी जो भी क्वेश्चन है मन ही मन आप लोग पूछे हैं, इसीलिए ये कार्ड्स ऐसे आए हैं। उसके बाद ये आया है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स यू आंसर, ये आंसर के बारे में ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए, आपका आंसर आपको खुद ही पता चलेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग एक साथ कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे हो, मतलब अपना अपना क्वेश्चन पूछे हो। और क्या गाइडेंस है एंजल, बी असर्टिव, पॉजिटिव रहना है आपको, और जो भी चाहते हो उसके ऊपर काम करना होगा आपको। आपका जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगा, फिलहाल आपको मेडिटेट करना है और पॉजिटिव रहना है और कंफ्यूज नहीं रहना है। कोई भी एक सिचुएशन के ऊपर आपको डेडिकेटेडली काम करना है। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर हेल्थ इश्यूज है आपका तो इम्प्रूव करें, अगर नहीं है तो ध्यान रखें, आने वाले टाइम में हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज आए आपको, तो इसीलिए एंजल जो है आपको अलर्ट कर रहे हैं। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो दूसरों से आप हेल्प मांगे। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं डिवाइन के ऊपर, एंजल के ऊपर, तो ये सारे गाइडेंस आपके लिए हैं।
गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ों में आपको और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, तो आपको बोला जा रहा है सही इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए जैसा हो सके, अगर पॉसिबल है आपके लिए, और फॉरगिव करें, सबको माफ़ करें, ठीक है। अगर कोई गलती किया भी है आपके साथ, फिर भी आपको उनको माफ़ करना होगा, ओके। तो कुछ ना कुछ नॉलेज आपको वहाँ से मिला है, तो पॉजिटिव रह के उनको माफ़ कर देना होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कम्युनिकेट क्लियरली, यस, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, तो अच्छी तरीके से क्लियरली बातचीत करें, ठीक है। और रूट कम्युनिकेशन ना करें, या फिर गुस्से वाली एनर्जी में बात ना करें अगर बातचीत होता है तो, या फिर झगड़ा ना करें, एक दूसरे का जो भी गलत चीज़ें हैं उनके बारे में ना बताएं, ठीक है। सॉर्ट आउट कीजिए सिचुएशन को इन द नियर फ्यूचर। तो हो सकता है कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपके पर्सन कॉल करेंगे या नहीं, जो भी मैंने टाइम फ्रेम बताया है, अगर उस तरीके का कोई आंसर आप लोग पूछा है तो पहले तो नो और यस में आंसर आपको मिल चुका है, और दूसरी बात यहाँ पर देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और इन द नियर फ्यूचर, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हो, कलेक्टिव रीडिंग है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आंसर आज के दिन में निकल कर आए हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ वीक लग सकता है, कुछ लोगों के लिए नियर फ्यूचर में है, और कुछ लोगों के लिए यस, कुछ लोगों के लिए नो। तो अपना अपना आंसर जानने के लिए मेडिटेट किया कीजिए, आपको खुद का आंसर खुद ही पता चलेगा, और आपका सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो गाइस ये रीडिंग आप लोगों के लिए था, रीडिंग अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक किया करें, और जो लोग चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करें, और फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।